तो क्या हाल है भाई लोगों। यार आज वक्त में हम थोड़ा सा पीछे जाने वाले हैं और कुछ पुरानी यादों को ताजा करने वाले हैं। फिर से मतलब कह सकते हो कि दिल में छुपी जो कुछ यादें थी उनको फिर से कुरेदने वाले हैं, क्योंकि हम वापस आ जाएंगे 2K23 में। अब यार एक मॉड सीरीज में रन कर रहा हूँ अपने चैनल पे, तो अब मॉड सीरीज में अगर 2K23 का नाम ना है तो ये नाइंसाफी होगी, क्योंकि 2K23 मॉडिंग असली बादशाह है। तो यार अब 2K23 और 2K24 में सबसे बड़ा डिफरेंस पता है क्या? ब्रॉक लेसनर। भाई ब्रॉक लेसनर को हम लोग इतना ज्यादा मिस कर रहे हैं 2K24 में, इसलिए 2K23 में आते ही मैंने सबसे पहले ब्रॉक लेसनर लिया। रोमन रेंस और जॉन सीना बोले तो अपनी ओजी खतरू टीम जो अरमान भाई ने ऑब्वियसली बनाई थी फेल गेम वालों ने, और मॉडिंग सीरीज चल रही है तो यार इंडियन मॉड क्यों पीछे रह जाए? भाई शक्तिमान सन्नी पाजी सनी देओल और दारा सिंह जी अपने असली रेसलर, इसे कहते हैं ना देसी रेसलर, तो आज ये तीनों फाइट करने वाले खतरू टीम के संग। फटाफट से फाइट को स्टार्ट करते हैं। इंट्रो थोड़ा सा लंबा हो गया है आज लग रहा है मुझे, लेकिन फाइट में भी उतना ही मजा आने वाला है, क्योंकि दारा सिंह जी जब खेलेंगे ना तो भाई रोमन ब्रॉक और सीना के सामने तो क्या ही मजा आने वाला है। शक्तिमान और लेसनर, भाई कैमरा एंगल थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। ब्रॉक को आते आते बैकहैंड स्लैप, भाई ओमनी मैन का दूसरा रूप शक्तिमान शक्तिमान। और कमेंट करके बता यार शक्तिमान किस किस में देगा भाई संडे संडे। अरे भाई ब्रॉक सन्नी पाजी को छोड़ दो, मतलब लीगल सुपरस्टार दारा सिंह जी है। दारा सिंह जी भाई पेलने वाले हैं ब्रॉक को बहुत तगड़ा, मतलब ब्रॉक यार 24 में तो भाई इस समय पिटता होने जा रहा है, 2K23 में और अच्छा को दिख नहीं रहा है क्योंकि अब तक एक भी घुसंड मारा नहीं भाई ब्रॉक लेसनर ने। दारा सिंह जी फिलहाल तो डोमिनेट कर रहे हैं ब्रॉक लेसनर को, पर पता है क्या 2K23 है तो इतनी आसानी से एलिमिनेशन होने वाले हैं नहीं। डिफिकल्टी ऑब्वियसली मैं लेजेंड पे ही रहता हूँ सभी को पता है, तो कांड तो होने वाला। शक्तिमान फिर से भाई ये एक फिनिशर तो लगा चुके हो, कमोरा लॉक फंसा लिया ब्रॉक ने। ओके बहुत अच्छे भाई, ब्रॉक को देखना एक अलग ही प्लेजर दे रहा है भाई इस टाइम पे, क्योंकि ना ब्रॉक 2K24 में ओरिजिनल दिख नहीं रहा है। और ये 2K ओके F5 ये रिवर्स नहीं हुआ तो मजा आएगा, हाँ मजा आएगा भाई आएगा। शक्तिमान को दूसरा फिनिशर लगता हुआ, मतलब शक्तिमान यार फर्स्ट सुपर हीरो आप कह सकते हो ऑफ इंडिया जो जिन्होंने नाम कमाया, और मैंने तो बचपन में खूब देखा यार, मतलब लिटरली शक्तिमान के लिए पागल था मैं, मतलब अपनी मम्मी से मैं इतनी जिद किया करता था कि शक्तिमान देखना ही देखना है, चाहे तबीयत खराब हो चाहे कुछ हो टटिया तक लग जाए लेकिन शक्तिमान देखना भाई चाहे कुछ हो जाए। उस समय तो दूरदर्शन आता था तो उस समय तो केबल वगैरह थी नहीं, डिश वगैरह कुछ नहीं थी, नेट वगैरह का तो नाम ही नहीं था भाई उस समय जिस समय मैं शक्तिमान देखा करता था मैं। लेकिन यार वो ओल्ड मेमोरीज में ना बहुत तगड़ी है भाई, उनका कोई मुकाबला नहीं है। मतलब आज की जनरेशन की तुम बात करोगे जो उस समय बच्चे हैं 10-12 साल के या 8 साल के, उनके पास इंटरनेट है हर चीज़ की सुविधा, लेकिन यार जब वो मैं था 10 साल का ना तब इंटरनेट का नामो निशान नहीं था भाई, वो 2G या वो ई वाला फ़ोन में ना ई बन के आता वो चलता था, और उस समय शक्तिमान आता था भाई क्या वाइब आती थी, मतलब ऑलमोस्ट पूरी फैमिली मेरी बैठ के साथ में शक्तिमान देखती थी। ब्रॉक की बॉडी येल्लो हेड येल्लो भाई इतनी जल्दी, जबकि ब्रॉक ने दो दो फिनिशर सामने वाली टीम को लगाए हैं। चलो ये अच्छा है कि ब्रॉक कम से कम फिनिशर तो लगा रहा और ओरिजिनल ब्रॉक को देख के अच्छा लग रहा। रोमन स्पीयर क्यों नहीं आई, मतलब इतना डिस्टेंस था लगा सकते थे। चलो कोई नहीं कोई नहीं, दारा सिंह जी की बॉडी येलो हो चुकी है भाई ये अभी से फिनिशर लग। ओके रोमन कॉर्नर स्पीयर, ये रिवर्स मुश्किल ही दिख रही है मुझे, मतलब दारा सिंह जी हट रहे थे, हटने के बाद रोमन ने उसी डायरेक्शन में अपनी स्पीयर को मोड़ दिया। बढ़िया भाई बढ़िया, 2K23 भी यार कमाल था, मतलब देखा जाए ना तो 2K वालों ने भाई स्कैम किया, बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस दिया नहीं है 24 में 23 में, बस केवल थोड़े से फीचर्स थोड़े से अरीनाज बढ़ा दिए मैच टाइप बढ़ा दिए और इसके अलावा कुछ नहीं भाई। और ऊपर से 24 में ब्रॉक नहीं दिया तो और लगता है कि पैसा वेस्ट हो रहा है अब, लेकिन पता है क्या कंटेंट बना रहा है तो लेना तो पड़ेगा ही। दारा सिंह जी के पास कोई फिनिशर नहीं, दारा सिंह टैग दे दीजिए तो ज़्यादा बढ़िया।
क्योंकि टैग में ज्यादा मजा आने वाला। सनी दियोल, सनी पाजी को टैग दो यार, शक्तिमान को भी दे सकते हैं। सनी पाजी वापसी, हाँ ठीक है, सनी पाजी और ब्रॉक लेसनर भाई, तुम सोचो अगर रियल में आमने सामने हो तो क्या लगता कौन भारी पड़ेगा? फिनिशर भाई साहब ये वाला फिर, अरे भाई 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 भाई, ब्रॉक लेसनर एलिमिनेटेड, वो ये तो कांड हो गया भाई, ये वाला कांड तो मैंने सोचा ही नहीं था कि ब्रॉक का एलिमिनेशन सबसे पहले हो जाएगा। और यार आई एम हैप्पी टू सी ओजी खतरू टीम, मतलब ओजी सीना 2K23, मतलब देखते हैं सीना 23 में भी ऐसे ही थे 24 में जैसे, मतलब 2K वालों ने सीना के संग जाती शुरू से ही करी है, देख रहे हो तुम, ये 2K वालों को जुलम है ना, जुलम जैसे कहेंगे तो इन लोगों को कीड़े पड़ने वाले 2K वालों को जॉन सीना को ऐसा बनाने के लिए, मतलब ओरिजिनल सुपरस्टार सीना को ऐसा बना दिया इन लोगों ने कि मतलब लगता ही नहीं कि यार वो जॉन सीना, मतलब 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना, सीना सुपर ए के लिए जा रहे हैं, अगर ये लगता है तो सन्नी पाजी को बहुत डैमेज होने वाला है क्योंकि बॉडी और हेड ऑलरेडी येल्लो है। ओ, कनेक्ट हो गया, एक भी रिवर्सल नहीं हो रहा भाई साहब, मतलब सीना का नॉर्मल ए क्या रिवर्स हो गया, सुपर ए पे आ गए सीना। और 2K23 में ऑब्वियसली यार सुपर फिनिशर तो था नहीं, और जिन जिन ने यार कल की स्ट्रीम नहीं देखी है तो भाई नेक्स्ट स्ट्रीम देख लेना, वाली मत देखना क्योंकि उसमें वॉइस वगैरह थोड़ा सा माइक का गड़बड़ हो गया था सिस्टम, अब यह सस्ता वाला माइक है तो भाई सिस्टम गड़बड़ हो गया था, एक्चुअली लाइट चली गई थी स्ट्रीम करने से पहले, 6 बजे की स्ट्रीम थी उससे पहले लाइट चली गई, मतलब 5:58 पे तो लाइट आई, और स्ट्रीम का सेटअप बनाना था, वो सेटअप या प्रॉपर बन नहीं पाया, और जो सेटअप दूसरा वाला बनाया था वो चल नहीं पा रहा था, वो दूसरे चैनल का था, तो जब मिस्टर फाड़ू का सेटअप बनाया तो भाई तब तक लाइट चली गई थी, उसी में सब मामला गड़बड़ हो गया, तो सेटअप जो मैंने बनाया था उसको टेस्ट नहीं कर पाया मैं प्रॉपर। सन्नी पाजी की बॉडी लाल हो चुकी है, फिनिशर विनिशर लगाएंगे सन्नी पाजी या ऐसे ही, मतलब एंड ऑफ डेज ही लगा दो भाई, कुछ तो लगा ही दो सनी पाजी, ये पीटे ही पड़े भाई। अच्छा सीना के पास कोई भी फिनिशर नहीं है, सनी पाजी के पास दो दो फिनिशर है, ओके ये फिनिशर है बढ़िया, ये क्या स्पिनिंग पावर बॉम्ब भाई, सीना की भी बॉडी येलो हो चुकी है, रोमन आ जाएंगे ऑब्वियसली बचाने, 2K23 है भाई, जितनी बार चाहे उतनी बार आओ, कोई क्रॉस नहीं कोई कुछ नहीं भाई, ये कॉर्नर में क्यों जा रहे हैं, कोई फिनिशर है क्या कॉर्नर से, रोमन ने बचा लिया भाई सीना को, लेकिन ना 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 बचा नहीं पाए भाई, बचा नहीं पाए कोई बात नहीं, सीना किक आउट कर देंगे ऑब्वियसली, मतलब अभी इतना कोई डैमेज हुआ नहीं है जो अभी किक आउट ना कर पाए, सीना की बॉडी ऑरेंज हो चुकी है भाई, रोमन नीचे स्टंट है इस समय, एक फिनिशर लगा के सीना को अगर पिन करा ले सनी पाजी तो पिन हो सकता है, क्योंकि आओ रोमन आ चुके हैं तो अब तो पिन नहीं हो सकता, लॉकआउट ही करना पड़ेगा। शक्तिमान, शक्तिमान के पास बैक हैंड स्लैब है भाई सबसे तगड़ा, रोमन स्पीयर आएगी लेकिन आई नहीं, बैक हैंड स्लैब आ गया, शक्तिमान के पास अभी भी एक सिग्नेचर है भाई, इंडियन सुपरस्टार भारी पड़ रहा है नॉर्मल के लिए टीम, इससे ऑब्वियसली कुछ नहीं होने वाला शक्तिमान को भाई, शक्तिमान का ओवरऑल आई थिंक 100 था और सनी पाजी का और दारा सिंह का, दारा सिंह जी का 100 से कम था, लेकिन शक्तिमान 100 ओवरऑल को पूरा जस्टिफाई कर रहे हैं भाई, बैक टू बैक फिनिशर, सिग्नेचर क्या है, सिग्नेचर लगाओ तो पता लगे ना, शक्तिमान लगा नहीं रहे सिग्नेचर, और ये रिवर्स हुआ भाई, रोमन ही है जो फाइट को बचा सकता है क्योंकि सीना की बॉडी ऑरेंज है, हेड येल्लो है, तो इतनी बहुत ज़्यादा मुझे कोई उम्मीद है नहीं सीना से, इस समय रोमन ही है। अच्छा मैंने देखा खतरू टीम में जब भी दिक्कत आती है तो भाई रोमन ही बचता है एंड में, जो फाइट निकालने का दम रखता है। ओजी खतरू टीम में तो ब्रॉक भी अच्छा था, लेकिन आज ब्रॉक पिटा ज्यादा, इस वजह से एलिमिनेशन जल्दी हो गया, लेकिन अभी भी जब तक रोमन है तब तक मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि सनी पाजी की बॉडी लाल हो चुकी है, दारा सिंह जी की बॉडी ऑरेंज है, शक्तिमान का हेड ऑरेंज है, बॉडी येल्लो हो चुकी है, रोमन सिग्नेचर आ चुका है, लगाओ भाई दो फिनिशर एक सिग्नेचर है कुछ करिए, दारा सिंह जी के पीछे मत पड़ो भाई,
वो देसी रेसलर है, उठा उठा के पटकेंगे भाई, उठा उठा के। वो सनी पाजी का डायलॉग जो मैं मार रहा हूँ, सनी पाजी तो रिंग में ही भाई, उठा उठा के पटकेंगे। ये तो सातों के साथ मारेंगे, एक साथ मारेंगे भाई, मजा आने वाला। रोमन स्पीयर, रोमन स्पीयर क्यों नहीं लगा रहे हो यार, समझ में नहीं आ रही मुझे कहानी कुछ। सनी के पास, सनी पाजी के पास भी एक सिग्नेचर, एक फिनिशर, ये क्या है? ओके, नॉर्मल मूव है, कोई फिनिशर नहीं, कोई सिग्नेचर नहीं, ये अच्छा है रोमन के लिए। यार ये फिनिशर लगा, रोमन रिवर्स करने का बटन खराब हो गया क्या भाई? ओ हो, स्पिनिंग पावर, रोमन की भी बॉडी ऑरेंज भाई। इंडियन रेसलर तो बहुत तगड़े पड़ रहे हैं भाई साहब, ये तो रेड मारे पड़े। रोमन बॉडी ऑरेंज हेड येलो, क्या कर रहे हो यार, फिनिशर विनिशर क्यों नहीं लगा रहे भाई? रोमन आखिरी उम्मीद तुम ही हो, रोमन आयरिश करके एक फिनिशर भाई, क्यों सुपर फिनिशर का कोई सीन नहीं है इसमें? जो तीन फिनिशर करके और सुपर फिनिशर लगाने की सोच भी रहे हो अगर तो। रोमन कॉर्नर फिनिश, रोमन टेशन क्यों दिखाए पड़े हो भाई, कॉर्नर फिनिशर लगाओ ना। हेडबट, हेडबट से कुछ नहीं होने वाला। रोमन 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 क्या कर रहे हो यार, पानी फिर रहा हो भाई। सारी उम्मीद पे, ऑडियंस की जितनी उम्मीदें रोमन से लगी है ना इस समय, सब पे पानी फिर जाएगा अगर रोमन एलिमिनेट होगा तो। सीना से मुझे कोई उम्मीद नहीं है खास, एक आध एलिमिनेशन सीना कर ले तो बात अलग है। रोमन स्पीयर, अरे भाई दुलत्ती मुंह पे तो स्पीयर ही लगा लेते भाई साहब। रोमन क्या कर रहे हो दोस्त, तीन तीन फिनिशर है स्टॉक में, एक सिग्नेचर है, OMG, मतलब इससे फुल्ली पैक्ड रोमन मैंने नहीं देखा। मतलब रोमन के पास फिनिशर और बच जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं भाई, आते ही आते रोमन चिपका देता है। आज पता नहीं क्या बात है, वो सकता है लास्ट के लिए रोमन बचा रहा हो, लेकिन पता क्या सीना चला जाएगा ना तो रोमन के लिए बहुत ज़्यादा कुछ रह नहीं जाएगा। तीनों सुपरस्टार को अकेले एलिमिनेशन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मतलब ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, मुश्किल है, मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल मैं कह सकता हूँ। सीना को, रोमन को बचा लिया फाइनली। ओहो, वही वाला मूव सीना ने वापस से लगा दिया। सनी पाजी का टाइम मुझे लग रहा है जल्दी ही इस गेम में पूरा होने वाला, इस फाइट में, गेम में नहीं, क्योंकि सनी देओल का देखो बॉडी लाल, हेड लाल हो चुकी, दारा सिंह जी की भी बॉडी लाल हो चुकी है। सीना फिनिशर नीचे ही लगा दो तो ही मजा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा स्टंट हो चुके हैं, काउंट डाउन 10 तक है तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जब तक तो स्टंट मीटर खत्म भी हो जाएगा। लेकिन सीना पेलना बंद करेंगे सनी पाजी को तब तो कुछ बात बनेगी। सीना अंदर ही ले जाओ उठा के, सीना वापस से अंदर। अच्छा मैच का रिजल्ट यार तुम लोग बताओ किस तरफ जा रहा है, मुझे लग रहा है इंडियन रेसलर ले जाएंगे, क्योंकि अकेला रोमन जो है फाइट निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगी। और अगर ये फिनिशर सीना को लगता है, सीना का टाटा बाय हो सकता है। पिनफॉल नहीं होगा, पिनफॉल नहीं होगा यार, सीना पिनफॉल नहीं कराओ, नॉकआउट से ही जाने वाला, फिनिशर या सिग्नेचर कुछ लगाना पड़ेगा। सीना फिनिशर के लिए ट्राई करते, लेकिन सनी देओल, ओ शक्तिमान के पास एक सिग्नेचर है, फिनिशर आने वाला जल्दी भाई। शक्तिमान का फिनिशर खतरनाक है, बुलडॉग। रोमन की भी बॉडी नीचे लाल हो गई, क्यों? अच्छा दारा सिंह जी और रोमन नीचे भाई भिड़ रहे, सीना ने फिनिशर लगाया, वो भी शक्तिमान को। चलो ठीक है, सनी पाजी को लगा लेते तो ज्यादा बढ़िया रहता, अब जिसको भी लगाया ठीक है भाई साहब। शक्तिमान एलिमिनेट, ओके नया ट्विस्ट भाई फाइट में, नया ट्विस्ट, क्योंकि सनी पाजी इतनी ज्यादा अच्छी हालत में है नहीं। सनी देओल को देख रहे हो, बॉडी लाल, हेड लाल, सीना भाई कर्रा पड़ गया, सीना के एक सिग्नेचर से बहुत कुछ बदल गया फाइट में। मतलब तुम समझो कि रिजल्ट जो 70-30 था वो 50-50 हो चुका भाई। फिनिशर फिनिशर सनी देओल अगर फिनिशर लगा जाते हैं, एक दो, एक भी लगा जाए तो दारा सिंह जी के लिए कुछ आसानी हो सकती है। ये रिवर्स हो गया, मतलब जो बची कुछ कसर थी लास्ट में पूरी हो गई। मतलब 2K23 में सीना इतना भी बुरा नहीं था। रोमन स्पीयर लगाओगे क्या करोगे, पर रोमन अगर चला गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, वो फिर से जो रेशियो था वो 70-30 का हो जाएगा।
रोमन स्पीयर नहीं लगा रहा, बस इतनी सी दिक्कत है रोमन। कौन ओके सीना को वापस से टैग क्यों? सीना फिनिशर के लिए जाओ भाई, मतलब सिग्नेचर से तुमने काम तो कर दिया फाइट में, लेकिन फिनिशर तो लगाना ही पड़ेगा दोस्त। सनी पाजी की ओके सुपर फिनिशर। सीना गड़बड़ ये लगाया नहीं क्यों, पहले ट्राई ही नहीं किया भाई। रोमन और सीना फिनिशर नहीं लगा रहे हैं, मुझे नहीं लगता फाइट ऐसे जीतेंगे। फिनिशर अगर नहीं लगाएंगे तो यार नहीं जीतेंगे भाई, कोई चांस ही नहीं है। सनी देओल के पास अगर फिनिशर होता तो शायद से अब तक लग जाता, लेकिन सनी पाजी के पास फिनिशर है नहीं। ये प्लस पॉइंट है एक्चुअली खतरू टीम के लिए अगर सनी पाजी के पास फिनिशर नहीं है। दारा सिंह जी को टैग मिलने जा रहा है और मिल चुका है, पर दारा सिंह जी की भी बॉडी लाल हो चुकी है ना। ए के लिए आप जाके ट्राई किए तो वो भी भाई ग्रैब कर नहीं पाया सीना। ये क्या था भाई साहब, भाई तगड़े तगड़े मूव लगा रहे हैं दारा सिंह जी। अच्छा ये मॉड वालों को भाई सलाम है, मतलब इतना तगड़ा इन लोगों ने डिसगाइज दिया है ना, मतलब दारा सिंह जी का देख लो और शक्तिमान का देख लो। ओ फिनिशर भाई, दारा सिंह जी की हालत बुरी, बॉडी लाल हेड येलो हो चुका है। फिनिशर्स और भाई साहब सीना ने बैक टू बैक फिनिशर लगाने स्टार्ट कर दिए भाई 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 भाई, उन्होंने नहीं लगा रहे तो एक भी नहीं लगा रहे थे, लगाए तो बैक टू बैक दो फिनिशर दोनों सुपरस्टार को। तीन फिनिशर रोमन के पास भी है भाई। पता है क्या, इंडियन रेसलर अगर हारते हैं तो उनकी सबसे बड़ी वजह है भाई फिनिशर नहीं है, फिनिशर ना होना सबसे बड़ी वजह है। और रोमन के पास तो कॉर्नर वाला फिनिशर भी है, तो वो आयरिश व्हिप करके कॉर्नर में लगा लो। ये मूव रिवर्स हो, दारा सिंह जी लीगल सुपरस्टार है। दारा सिंह जी के पास एक सिग्नेचर है, सिग्नेचर से आई थिंक रोमन एलिमिनेट हो सकता है, अगर शक्तिमान हो सकता है तो रोमन भी हो सकता है भाई। फिनिशर है क्या है ये सबमिशन है ये? अरे भाई रोमन गया, अरे भाई भाई भाई, और दारा सिंह जी ने फिनिशर लगाया सीना को, ये रिवर्स हो गया भाई, ये तो बहुत गड़बड़ हो गई भाई, ये तो मैच का नए ट्विस्ट आ रहे हैं भाई फाइट में। सीना ने फिनिशर लगाया लगाया लगाया, ये अगर रिवर्स नहीं हो तो दारा सिंह जी का एलिपुर भाई, ये बहुत गड़बड़ हो गई। दोनों के फिनिशर, दारा सिंह जी का भी रिवर्स किया सीना ने और सीना का फिनिशर रिवर्स किया दारा सिंह जी ने, अपना फिनिशर लगाएंगे और ये रिवर्स भी नहीं हुआ भाई। सीना गए अगर बचे तो रेजिलेंस जाएगी, अदरवाइज गए भाई बच गए। सीना रेजिलेंस यूज करो, रेजिलेंस यूज करो, अब भी उम्मीद रह सकती है भाई। विनर रेजिलेंस की काउंट करती है सीना ने, कैसे मतलब कैसे कर दिया भाई साहब, अरे सुसाइड डाइव खाली चली गई। सीना के पास एक सिग्नेचर आने वाला है सीना, ये अगर संभाल के भाई मैं क्या बोलूं, मतलब आप फिनिशर लगा तो सीना का है, लेकिन फिनिशर ना सनी पाजी के पास है ना दारा सिंह जी के पास है, है तो केवल सीना के पास एक सिग्नेचर ऑलरेडी और फिनिशर आने वाला। फाइट इतनी लंबी चल तो रही है लेकिन नए नए ट्विस्ट आ रहे हैं फाइट में, तो इसलिए बहुत ज्यादा मजा आ रहा है भाई फाइट में। भाई दारा सिंह जी को लगातार पहले बढ़ाया सीना, सीना सात तक काउंट हो के भाई अंदर आ जाओ। सीना के पास एक सिग्नेचर है अगर वो लगता है दारा सिंह जी को, ये रिवर्स, ये सिग्नेचर रिवर्स हो गया भाई साहब। ये स्पीयर नॉर्मल थी, कोई फिनिशर सिग्नेचर नहीं था। सनी पाजी आ चुके हैं, सनी पाजी के पास एक सिग्नेचर है और लगाया क्या इन्होंने, ये सिग्नेचर है मेरे ख्याल से भाई, सिग्नेचर ही था। फाइनली सनी पाजी निकाल गए भाई फाइट, मतलब मुझे लग नहीं रहा था कि इंडियन रेसलर जीत जाएंगे। रोमन जो एक सिग्नेचर में गया ना वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अब यार देखो शक्तिमान भी ऐसे एक ही सिग्नेचर में गया, सनी पाजी और शक्तिमान दारा सिंह जी समझ लो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे थे, मतलब एक पैर कवर में था कि अगर एक फिनिशर या सिग्नेचर लगता तो टाटा बाय बाय हो जाता।
तो यार वीडियो में मजा आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो तुम लोग चैनल को यार। मैं मिलता हूँ आप सुनते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।